ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम, ऐसा नाम निरंजन हो। जेको मन जाने मन कोए, जेको मन ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾ ਜਾ।
Oh,
श्री राम भला परिवार पद के बोली है गण पूजे मुक्त राजा हर रोज उत्तम का इस शरीर को पाली पसीदा है जिंदगी का मुहूर्त संपन्न तो बिना यह मूर्त ते ने समझ ही रहता है सो प्रभ जितना आयो छूटे की बेबान इस नु कदे ओ परमात्मा जिसनु जिसने इसको पैदा किया है चेते नहीं आता ते आखिर इन साड़ा में सुन दिता जाता है सतगुरु सहती चेतना है सदा सदा लगवान हे प्राणी अजे भी वेड़ा है अपने गुरु नाल चित जोड़ ते परमात्मा का नाम सुन के सदा कायम रहन वाला लगवान प्राणी तू आया राह लैण हे प्राणी तू जगत विच परमात्मा के नाम का नहा लगा कित मुफकड़े सब दुख की चलती है तू किस सवारी वाले कमल जुझा पिया है तेरी सारी जिंदगी की रात मुकती जा रही है उदम करे पश पक्षियां दिसै नाही काल पशु कलोर करता है पक्षी कलोर करता है पशु पक्षी मौत नहीं दिती उथे साफ मनुख है फाफा पाया जा पर मनुख भी उत्ते ही साफ विच जा रहा है पशु पक्षी वाल इसको भी बहुत चिंते नहीं है ते माया ने जान फसया है मुक्त तेरे जेड़ा एक घर छड़ के सदा लई दूर जाना है ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਬਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਤੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੁਰਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਇਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਮੋਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਦਾ ਭਾਲ ਕੈ ਆਏ ਪਿਆ ਸਰਨਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਢੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜੀ
Yeah.
Oh,
अंते सतगुरु बोलिया आनंद छे नींद करियो परमा गुरु साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी आप जो कि भगवान के प्रति जी भगवान के डॉक्टर हो रहे हो परमान का संपद आया है उसने आप ही ने गुरबाणी सफल करके हिंदू के संस्कार में छुपाया आने की है राम कली महाराज की दया मेरी माए सतगुण हर हर रहो तू भक्त दे दुख सार सम्राट स्वामी सुख मनो विसार कहे नानक मन मेरे सदा ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜ
आप जाए भूल बल तो मन तो मट
नारद जागर तुम्हें का तबल हर नारद सज्जन तोड़ सज्जन संत पत्या और मेरी छड़े दर्शन पश्य गुरु के जानव मरण दुख जाए सज्जन सज्जा पातशाह शर्षा देशाह जिस पास बैठिया सोइय सवरा गावे साहो गुरबाणी के महावाक जिहा जीवन लिखिया यह हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठे जाए अनुसार मास्टर बलदेव सिंह जी जिन्हें स्वास्था की पूंजी लैके आए थे उसनों पूरी करते हैं कुछ दिन पहला साढ़े सारे तो विछड़ गए हैं अच असी सारे उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करिए उन्होंने अंतम अरदास शामिल होएगा संगत बहुत गुरु गुरु उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करना है मैं सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी हाजरी लगा सारिया संगत तय दिनों धनवाद करता मैं तो इस परिवार न पिछले 20-25 साल को लगातार विचरण का मौका मिले बहुत नेड़े तो विचरण का मौका मिले मैं मास्टर बलदेव सिंह जी को बार बार मुखातब हो चुके हैं जो भी उन्होंने को कभी कोई निरार्थक गल नहीं होती बहुत ही सार्थक गल जिंदगी उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में अपनी सेवा निभाई 97 रिटायर हुए थे हूँ 2016 उन्होंने उम्र लगभग 79 साल पूरी कर चुके थे मैंने पिछला 1.5 महीना बाहर जाना पे उसको पहला मैं मिल के गया थोड़ा जहा ढिले हुए थे तो कहते थे कि हम बिल्कुल ठीक है सारे परिवार को यह चिंता नहीं थी कि हम इन्होंने कोई समस्या पर अचानक जो भाणा वर्तना से वो वर्त गया हूँ मैं वो गल् उन्होंने सारिया दोबारा दोबारा याद हो गई गुरबाणी के नाल पिछले दिनों उन्होंने बहुत लगाव रहा
बल्कि श्रोमणी कमेटी वालों श्रोमणी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी वालों एक छोटा जिहा गुरबाणी ने उत्ते उन्हां कोल बहुत वधिया कुछ लिखण दी कोशिश करदे पए सी, पता नहीं कंप्लीट होया जां नहीं होया। मैं कोशिश करूँगा कि वो जिते भी पहुँचे है उसमें किसी होर चंगी कथा में पहुँचा के कंप्लीट करवाया जाए। मास्टर जी की सारी जिंदगी बड़ी साफ सुथरी जिंदगी है। इस समय असं जो इकट्ठे होंगे थोड़ा जहा लेखा जोखा हर एक के मन में हों कि जिंदगी बतीत करके ये मनुख सू सारे मछोड़ा देते गया। तो जो इस रोखे लेखे चौखे के इस फैसले से पहुंचीए कि उन्होंने जिंदगी बहुत अच्छी थी तो यह लगता है कि वो अपनी जिंदगी के सफल से। उन्होंने दो पुत्र बलजिंदर सिंह एडवोकेट नरेंद्रपाल सिंह दोवें ही अपने अपने फील्ड के बहुत महारत रखते दोहां उन्होंने चंगी सिक्ख्या दी दोहे दोहां उन्होंने एजुकेशन फील्ड के एक ननकाणा पब्लिक स्कूल के ननकाणा साहब पब्लिक स्कूल के प्रिंसीपल के तौर पर सेवा कर रहे हैं तो दूसरे जसपाल लंबे समय तो अध्यापक के तौर पर सेवा कर रहे हैं। उच्च कोटियां भी उच्च सिक्ख्या हासिल कर रही है। तो जो अगवाई सहयोग व्यक्ति की हो गई तो उस अगवाई रह के बच्चे भी बहुत अच्छी सिक्ख्या हासिल करते हैं। मैं अज इतने ये खुशी का एहसास भी है कि मैं उन्होंने संबंध में चार शब्द बोलने लिए जो खड़ा पाया तो मैं उन्होंने सारिया गल् चंगी गल् याद आ हमेशा ही उन्होंने को बैठ के कोई ना कोई नव ज्ञान मिलता से। अज असी सारे उन्होंने नाल के साथी वो बहुत लंबे समय तो विद्यक संस्थावान जुड़े रहे वक् वक् विद्यक संस्थावान बहुत सारे उन्होंने कुलीग जो उन्होंने नाम पढ़ाते रहे अज इतने हाजिर ने। मैं उन्होंने सबना का धन्यवाद करना चाहता हाँ। इलाके के उगे आगू बहुत सारिया बार एसोसीएशन संबंधित एडवोकेट प्रधान बराला बार एसोसीएशन प्रधान खन्ना बार एसोसीएशन प्रधान पायल बार एसोसीएशन भी इतने हाजिर ने। उन्होंने सारे एसोसीएशन जुड़े हुए एडवोकेट साहबान भी इतने हाजिर ने। मैं सारे जया भी कहूँगा तो धन्यवाद भी कहूँगा सारिया का नाम शायद मैं ना ले पाऊँ। उन्होंने अलावा सरदार भुपिंदर सिंह डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक इसड़ू तो सरदार महेंद्र सिंह चेयरमैन इसड़ू तो वह भी साढ़े बच्चे हाजिर ने। सरदार तजिंदर सिंह सलाना डिप्टी एडवोकेट जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सरदार परमजीत सिंह एडवोकेट प्रधान एएस मैनेजमेंट अते प्रधान इंडियन पीपल रेटर खन्ना वह भी साढ़े बच्चे हाजिर ने। और इस तो अलावा साढ़े हल्के के इंचार्ज अकाली दल के नेता सरदार रणजीत सिंह गलवंडी आप नहीं आ सके उन्होंने अपने पर्सनल सत्र के राही हाजरी करवाई है। श्री इंद्रपाल सिंह इतने आए हुए हैं श्री जंग सिंह रंडूर डायरेक्टर डायरेक्टर कोऑपरेटिव श्री इंद्रजीत सिंह डायरेक्टर लैंडमार्क बैंक साढ़े इस फील्ड के नाल संबंधित प्रधान म्यूनसिपल कमेटी खन्ना और कार्य साधक प्रोफेसर सरदार चरणजीत सिंह जिहड़े माता भी शोक माता भी लैके आए उन्होंने नाल ईओ अमलो जिहड़े परिवार नाल बड़ी सांझ रखते हैं सरदार हरदीप सिंह जिहड़े अजकल ज़्यादातर कनेडा रहिंदे हैं और होर भी बहुत सारे मित्र आए हैं जिन्हां नाल मैं थोड़ी सारिया की सांझ पावांगा। हुण मैं बेनती करूँगा साडे इलाके दे बहुत ही निकट मोहरी आगू जिहड़े बहुत लंबे समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी ने होर भी बहुत सारे उच्च अहुदियां ते काम करते हैं इलाके के सज्जना मित्रां विच बहुत ही निमरता नाल विचरते हैं और इस परिवार नाल उन्हां दी बड़ी अच्छी सांझ है। मेरी गुलाब है सरदार रविंदर सिंह जी खंडर उन्होंने मेरी बेनती है कि वो
अपने श्रद्धा के फुल पेट का भी प्रसाद में दस एक सिखियादायक जीवन बतीत करके एक अपने नाम पर शख्सियत करके सुनाने ने अपना जीवन याद के बह रहे गुरु महाराज सच्चे पातशाह की कृपा सदका अपने समुचे सब संगत ने अपने गुरु घर के मजीद साहबान ने रल के अरदास की है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपा करके अरदास अपने चरणों में सबरी करके अपने चरणों में प्यारे सास ने जियो परिवार की जोड़ी जेड़ी उन्होंने इलाके जी करीब है उस बारे इलाके उन्होंने जो सेवा निभाइया वो बिल्कुल बखूबी दस के चाना पा के प्रदर्पण किया। गुरु महाराज कृपा करे इस परिवार को जिहड़ा कि समाज सेवी परिवार ही कह रही है भावें वह विद्या के संबंध में भावें होर सेवावान के संबंध में सेवा निभा रहे हैं दोनों बच्चे उन्होंने लड़के और लड़कियां जोड़े अपने नूहों के मतलब वो अपन सेवा निभा रही हैं। गुरु महाराज कृपा करे उन्होंने चढ़ती कला बख्शे और परिवार हमेशा साढ़े च रहे चढ़ती कला च रहे। बेनती है कि गर्मी बहुत है कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता से सारी अब जी संगत है वो गर्मी के बीच बैठी है। मैं बोलने वाले भी बेनती करूँगा कि आप जो सेवावान ने उन्होंने जरूर कर करिए एक मैं बेनती जरूर करके होगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मैं जब मत्था टेक के बैठा एक बहुत बड़ी जी भुल अपने तो हो रही है अपना कहने तो आप डरते हैं क्योंकि दूसरा पिछे ना मैं कह देंगे क्योंकि पानी बरताने वाला इतने अंदर आके पानी से सेवा कर रहे हैं उस बेचारे को की पता मर्यादा का मर्यादा का पता आप अपने प्रबंधकों शर्मा जी प्रधान पेंशनर महासंघ पंजाब भी हाजिर ने उन्होंने भी अभी धनबाद दें जसविंदर सिंह बागर जसपालों को हरिंदर सिंह कोटली सरदार जसपाल सिंह सबका प्रधान समराला मालवा कॉलेज कौंसलिंग वो भी साढ़े बच्चे हाजिर ने बहुत सारे सज्जन ने जिन्हों के नाम मैं शायद ना लै सका इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए असं घट समय समाप्ति करनी चाहेंगे। अंत में मैं बेनती करूँगा परिवार के नाल लंबे समय तो सांझ रखने वाले समराला हल्के के इंचार्ज सबका एम एल ए श्री बिरजीवन सिंह खीरनिया जी कि वो अपने परिवार की दुख की घड़ी में शब्दों के नाल सांझ पाउण के सरदार बिरजीवन सिंह जी खीरनिया और इस प्रभाव नस्ते रखने वाले बहुत बड़ी निर्देशक थे पिता जी का जाना मैं समझा कि प्रभाव में सब सारे नहीं गए इससे क्योंकि जितने उन्होंने विद्या के क्षेत्र में बच्चा का बहुत बड़ा योगदान पाया बच्चा ने पढ़ाया लिखाया उनसे मैं समझा कि समाज से ही करना बच्चे जी का प्रभाव बहुत बड़ा इस प्रभाव का योगदान है हमेशा याद रखने वाला योगदान तो जितने उन्होंने जाप किया मैं समझा कि उन्होंने जो साथी सामने देख रहे कि वही गड्डी के पहुंचे हुए और
ਸੂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਣ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਕਿਆ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।